तो भैया ज्यादा बात ना करो, अपने हमारे काम लेट हो जाए। इतना बड़ा हो गया है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात। हमारी तरफ से सभी यूट्यूब फैमिली को गुड मॉर्निंग एंड प्रणाम और नमस्ते। तो अभी ये सुबह सुबह का टाइम है, हम मतलब नाश्ता वास्ता करके रेडी हो गए हैं। बुलबुल और गुनगुन तीनों लोग, हाँ अभी चलते हैं हम लोग घर। हाँ बेटा चल, दुपट्टा लेते हैं उसके बाद चलते हैं हम लोग अपने नए घर में कुछ काम करने। आप लोग को दिखाएंगे क्या करने चल रहे हैं। तो आ गए हम लोग अपने घर में। ये अपना घर है, वो हम जिसमें रहते वो अपना घर नहीं है, ये अपना घर है। ये देखिए गुनगुन के लिए साइकिल ले आ दिए हैं, गुनगुन का साइकिल ले आ रहे हैं। गुनगुन यहीं आती है, आराम से अपना साइकिल चलाती है। ये देखिए, सॉरी, इसमें पानी डालना है, ये वो नाली का ढक्कन बना है और ये किचन के नीचे भी ये बना हुआ है। ये इसको हमने बनाया है। हाँ तो अभी इसमें पानी डालना है, इसको हमने बनाया था ये नीचे, ठीक है। इसको भी हमने बनाया था और इसको भी हमने बनाया है। वो मटेरियल उसका बच गया था तो हमने सोचा कि इसको बना देते हैं, तो बाहर जो नाली बनी है उसमें डालने का काम देगा। क्या करें, मिस्त्री नहीं मिल रहा तो हम ही मिस्त्री बन जाते हैं। तो यही है, अब इसमें पानी डालेंगे और आप लोग को चलते हैं छत पे दिखाते हैं लौकी मेरा। आज कितना अच्छे से लौकी आया है। आ जाओ चलेंगे, आप भी चलोगे? चलो आ जाओ, आ जाओ चलते हैं बच्चों के लिए। आ गए हम लोग छत पे और वो देखिए ट्रेन जा रहा है, दिख रहा है? दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो अपने छत से हाँ ट्रेन आते जाते हुए दिखाई देगा, दिखाई तो देगा ही लेकिन रात में सोने नहीं देगा, आवाज आएगी। थक गए। अरे देखिए हमारी तुलसी जी, हमारी तुलसी जी देखिए कितना अच्छे से पकड़ ली है। दिखाओ, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है तुलसी जी। और आपको दिखाते हैं लौकी है, मेरी लौकी। हाथ नहीं, हाथ नहीं, हाथ नहीं, हाथ नहीं दिखाना है। ये मम्मी की लौकी बनाती है। ये देखिए दूर से दिखाना बेटा, हाथ नहीं लगाना। ये देखिए ये कितना बड़ा है और ये छोटे 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 खूब फल लगे हैं। हाँ, नहीं हाथ से नहीं छूएंगे, हाथ से नहीं छूएंगे बेटा, दूर से देखिए। ये देखिए छोटे छोटे फल और एक इतना बड़ा हो गया है। अरे बाप रे बाप, हाँ इतना मोटा हो गया, मोटा है। आज इसको तोड़ेंगे और देखिए अभी ज्यादा नहीं फैला है। हटो हटो बेटा, ये ज्यादा नहीं फैला है, इतनी दूर ही फैला है। ये नीचे नीचे से चढ़ के आया है। ये देखिए, ये देखिए मेरी लौकी कितनी बड़ी है, ये देखिए। हाँ अभी ये और बड़ा होता लेकिन हमने इसको तोड़ लिया इसलिए कि मुलायम पे बनाओ सब्जी तो अच्छा लगता है, मीठा मीठा लगता है। ज्यादा टाइट होने में बीज जब पड़ जाते हैं ना तो नहीं अच्छा लगता, तो इसीलिए हमने ये देखिए तोड़ लिया। नीचे वाली लौकी लंबी वाली है और ऊपर वाली गोली वाली है। ये देखिए ये गोली वाली फर्स्ट बार तोड़ा हमने, लंबी वाली तो दो तीन चार तोड़ चुके हैं। और अभी इसको रख देते हैं, अभी जब घर चलेंगे तो लेके चलेंगे। अब हम चलते हैं, ये क्या है? फावड़ा। अभी चल रहे हैं उधर काम करेंगे। मुझे क्या लहसुन बोना है, लहसुन लहसुन बोना लेट हुआ है। मुझे ज्यादा कोई खेती वेती तो करना है नहीं, बस थोड़ा सा चटनी वटनी खाने के लिए बोएंगे, तो इसीलिए चलेंगे। थोड़ा सा जगह बना देते हैं लहसुन बनाने बोने के लिए, फिर उसके बाद लहसुन बाद में बोएंगे। अभी चलते हैं लहसुन के खेत में लहसुन बोने। हाँ भैया दे दे। तो हम आ गए अपने खेत में। ये देखिए ये इतना पूरा, इतने में पूरा लहसुन बोएंगे
और इधर हमने पालक डाला है। देखिए पालक हमारा कितना अच्छे से आ गया है। ये पालक है और ये है मेथी है, ये है पुदीना भैयो, और ये है धनिया। देखिए धनिया भी उतने अच्छे से नहीं आया है लेकिन आ रहा है धीमे धीमे करके। धनिया थोड़ा रुक के जमता है। ये पुदीना और वो क्या कहते हैं पपीता, और ये लगाया हमने टमाटर। ये देखिए टमाटर का बीज भी आ गया है। ये टमाटर जब बड़ा हो जाएगा ना तो इसको हम जगह जगह फैला देंगे। टमाटर का बीज हमने डाल रखा था, और इधर हमने लगाया है फूल। ये है हमारी लौकी, ये लंबी वाली लौकी है। ये देखिए ये लंबी वाली है, और छत पे जो है वो गोली वाली है। हाँ भैया, तो अभी चलते हैं, यही किसी को गुड़ाई करना है। इसको गुड़ाई कर देंगे तो इसमें लहसुन सुन बोने के लिए अच्छा हो जाएगा। हाँ भैया, हाँ वही रहो, दोनों लोग वही रहो, ठीक है, ओके दे रहे। जिंदगी का दूसरा नाम है संघर्ष। अगर ज़िंदगी जीना है तो हमें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। ऐसे बैठे रहने से कोई काम नहीं चलेगा, तो इसके लिए हाथ पैर तो चलाना ही पड़ेगा हमको। तो आज हम इसीलिए आ गए प्लाट पे कुछ काम करने। क्या करने, ये गुड़ाई कर रहे हैं इसलिए कि हमें लहसुन बोना है, और वो भी किस लिए कि क्योंकि अभी ठंडी का महीना आ रहा है, तो इसमें लहसुन की पत्ती और हरी धनिया की पत्ती कि चटनी बहुत अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा मेहनत करने आ गई। और मैं यहाँ गुड़ाई कर रही थी तो अगल बगल लोग बोल रहे थे कि क्या आप अकेले मेहनत कर रही हैं, भैया नहीं है, आप अकेले मेहनत कर रही हैं दो बच्चों के लेके। तो मैं बोली अगर हम खाएंगे तो मेहनत तो हम ही को करना पड़ेगा, भैया तो यहाँ है नहीं खाने के लिए, तो मेहनत तो हमको करना ही पड़ेगा। तो बस वही जुटे हैं हम आज। हाय राम, आज तो हमारा दम निकल गया, लहसुन के चक्कर में दम निकल गया हमारा। बहुत मेहनत करे पड़ा भाई, बहुत मेहनत करे पड़ा, इतना सारा गुड़ाई करने पड़ा। देखा कितना सारा गुड़ाई किया है ना हम, बहुत मेहनत करे पड़ा, खूब पसीना निकलिया, पसीना निकल रहा है। जितना आराम किए थे ना, जितना आराम करे रहे सब निकल रहा था, अभी भी दम निकल रहा है। हमारे दोनों लड़के आराम से अंदर खेला था और हम यहाँ गुड़ाई कर रहे थे लहसुन बोए बोले। तो भैया ज़्यादा बात ना करो, अपने हमारा काम लेट हो जाए, तो चलिए तो फटाफट काम कर ले थे, तो फिर आप लोग को दिखाई थे कि कितना काम करा हम आज। हाँ ठीक है, तो हमने एक बार इसको फावड़े से खोद दिया था, यानी मतलब गुड़ाई कर दिया था। उसके बाद तो उसमें बहुत बड़े बड़े मिट्टियाँ निकली थी फावड़े से खोदने के बाद। तो हम फिर उसको खुरपी लिए हैं और एक पटरी लिए हैं, उसी से उसको पीट पीट के मतलब एकदम बारीक में कर रहे हैं मिट्टी, ताकि लहसुन हमारा अच्छे से जमे। तो बस यही, ये देखिए एक फट्टा लिए हैं, बस इसी फट्टे से हम इसको पीट पीट के एकदम बारीक कर देंगे। और जो मिट्टी बैठ गई उसको हम खुरपी से गुड़ाई करते जाएंगे, और इसी से हम पीट पीट के इसको एकदम मैश करना है, मिट्टी को एकदम मैश करना है, तभी लहसुन बहुत अच्छे से जमेगा। नहीं तो वो अगर मोटा मोटा मिट्टी रह जाएगा, इकट्ठा रह जाएगा ना, तो लहसुन जमेगा नहीं। तो इसीलिए उसको मैश करने के लिए मुझे इसको पीटना पड़ रहा है, पीट के उसको फोड़ रहे हैं, फोड़ के फिर उसको मैश कर देंगे एकदम, तो बारीक हो जाएगा, तो उसमें लहसुन बहुत अच्छे से जमेगा। तो अभी क्या कहते हैं, करीब 9-10 बजे का टाइम ही था, लेकिन धूप बहुत तेज़ लग रहा था, बहुत तेज़ धूप लग रहा था। और संडे का टाइम था, मेरे बेटी के बड़ी वाली लड़की का छुट्टी था, तो इसीलिए दोनों को लेके आ गए थे हम। वो लोग अपना अंदर दोनों खेल रही थी और मैं ये अपना काम कर रही थी कि आज संडे है, हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये लहसुन बोने का तैयारी, देखिए कितना कितना अच्छे से हमने इसको मैश कर दिया है। देखिए अभी इस टाइम बना दिए हैं, तो शाम को आएंगे हम इसमें लहसुन बोएंगे। देखो अच्छे से हमने बना दिया लहसुन बोने के लिए, इतना पूरा एरिया है, इतने पूरे में लहसुन लगा देंगे।
ये देखो कहा हो बताओ लोग के बाबू क्या कर रही हो तुम पूरा झाड़ू लेके ये देखो मम्मा थक गई हो क्या हाँ बेटा थक गए इतना मेहनत की ना आप क्या कर रहे हो सफाई कर रही है वाह गुड शाबाश मेरा बेटा देखो इसमें सीमेंट लगा था वही मेरी बिटिया छुड़ा रही है बढ़िया बहुत अच्छा गुड और तू क्या कर रहे थे वो बिटिया हाँ तू झाड़ू निकाला था हाँ अच्छा सुसु के पैंट धे है वो हाँ अच्छा तो चला जाए अब झाड़ू सारा इकट्ठा करो और चलो अब चलते हैं घर में बहुत काम कर लिए ठीक है तो हो गया है मेरा काम लहसुन बोने का जगह हमने बना दिया है और ये देखिए खुरपी उर्पी लेके आ गए हैं ये खुरपी हाँ खुरपी और आप चल रहे हैं रख देंगे यहाँ किचन में अपने ऐसे रख देंगे यहाँ उसके बाद अब चलते हैं हम लोग घर को नहलाएंगे धुलाएंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।